तमाम प्रक्रिया है, जो संपूर्ण व्यवस्था है, उस पर विचार किया जाए। बेरोजगार अभ्यर्थियों से करोड़ों का शुल्क संकलित किया जाता है, नौकरी की आस में उन्हें भटकाया जाता है वर्षों तक। इसे मानवाधिकार हनन का प्रकरण माना जाना चाहिए। ये तमाम बातें उनकी ओर से की गई और इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि जरूरत पड़े तो कानून में संशोधन करने पर विचार भी किया जाना चाहिए। तो बड़ी खबर आपको बता दें, जयपुर से, जहां सरकारी भर्तियों के कोर्ट में अटकने का ये मामला है और राज्य मानवाधिकार आयोग ने आरपीएससी से इस बाबत जवाब मांगा है। तो आपको बता दें, भर्तियों की लेटकती पर आयोग सख्त नजर आ रहा है। एक और बड़ी खबर आपको बता दें, मानवाधिकार आयोग ने आरपीएससी से ये जवाब मांगा है, पिछले 10 वर्षों में कितनी भर्तियों को निरस्त किया गया है। तमाम बातें उनकी ओर से पूछी गई कि हाईकोर्ट या सुप्रीम कोर्ट ने कितनी भर्तियां कैंसिल की और विज्ञप्ति जारी करने से नियुक्ति पत्र में कितना समय लगता है, ये भी यहां पर पूछा गया है। और 25 सितंबर तक आवश्यक रूप से ये जवाब दिया जाए, ये आदेश दिए गए हैं भर्तियों की लेट लतीफी पर। वी मीडिया संवाददाता भरत हमारे साथ ऑनलाइन पर जुड़ चुके हैं, उनका रुख कर लेते हैं। भरत, सरकारी भर्तियों के कोर्ट में अटकने के मामले में अब राज्य मानवाधिकार आयोग ने आरपीएससी से जवाब मांगा है, क्या कुछ कहा गया कोर्ट की ओर से, राज्य मानवाधिकार आयोग की ओर से, माफ कीजिएगा। देखिए, संघर्ष समिति के जो अभ्यर्थी है उन्होंने आयोग में गुहार लगाई है और आरपीएससी के सामने भी वो धरना दे रहे हैं। तो इसको लेकर उन्होंने बताया था कि 2016 में तृतीय श्रेणी की जो भर्ती निकली थी, 9488 पदों पर विज्ञप्ति निकली थी, उसके एक वर्ष बाद अप्रैल जुलाई में ये 2017 में प्रेक्षा, 2018 में इसका रिजल्ट जारी किया गया और इसके बाद भी इसमें कई खामियां रह गई और ये भर्ती कोर्ट में अटक गई। इसके चलते उन्होंने आयोग में गुहार लगाई और अभ्यर्थियों का कहना था कि जब हम पढ़ाई करें या इनके लिए कोर्ट में पकड़ लगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए भरत। तो आपको बता दें, जहां पर तमाम बिंदुओं को लेकर आरपीएससी से जवाब मांगा गया है, आयोग की ओर से ये बात कह दी गई है कि आखिर ये भर्तियां कैंसिल क्यों हो रही है, इस बाबत जवाब मांगा गया है।